नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन गलतियों के बारे में जिसके वजह से फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाते हैं और बच्चे जो केपेबल हैं, जो एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, उनको एग्ज़ाम में बैठने का मौका ही नहीं मिलता है। हमारे टाइम में भी, मैं 2018 में LLP का एग्ज़ाम क्रैक किया था, जिसको नहीं पता है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो उस समय भी बहुत सारे लड़के जो हैं वो एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाए थे। मेरा खुद का एक दोस्त था जो बहुत ही ज़्यादा कैपेबल था, बट उस समय क्योंकि उसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, उसको पता नहीं था। उसने जो है वो, जैसे नोटिफिकेशन भी दिया जाता है आपको, एक अलर्ट मैसेज भी आता है जीमेल पे, या फिर वो रिजेक्ट हो जाता है फॉर्म, तो उसने नहीं देखा, पता नहीं चलता। बहुत सारे लड़के जो है पहली बार एग्ज़ाम देने जाते हैं, उनको ये चीज़ें पता नहीं होती। तो इन गलतियों के बारे में हम बात करेंगे कि किन किन गलतियों को वैसे फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। कुछ गलतियाँ ऐसी हैं जिनको आप सुधार कर सकते हैं, कुछ गलतियाँ ऐसी हैं जिसकी वजह से थोड़ा मोड़ा झेलना पड़ता है, थोड़ा आप परेशान होंगे बट काम चल जाएगा। और कुछ गलतियाँ ऐसी हैं जिसके वजह से आपको आगे आने वाले RRB के एग्ज़ाम में, रेलवे के एग्ज़ाम में आपको बैठने का मौका ही नहीं दिया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, आप देख लें। अगर आपने फॉर्म अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो फिर तो आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि आप जब फॉर्म अप्लाई करने जाएँ तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो फिर आप देखिए, क्योंकि अभी भी मौका है, आप उसमें सुधार कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए कहीं आपने ये गलतियाँ तो नहीं करी। अगर आप रेलवे किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो किरण पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान का एक बुक आता है जो NCERT के नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। इसमें इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो ये बुक बहुत ही अच्छा है, अंग्रेजी में भी आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाना भी आपके लिए बहुत ही जरूरी है, जिसके लिए टेस्ट बुक एक बहुत ही अच्छा ऐप है। यहाँ पे एयरली पास अभी मिल रहा है 287 में। AJS10 कोड लगाएंगे तो 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जिन बच्चों ने फॉर्म अप्लाई करते समय कुछ गलतियां कर दी हैं तो उनको अभी घबराने की जरूरत नहीं है, अभी भी मौका है आपके पास। आप जो है मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसका लिंक एक्टिवेट होगा 20 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक। इसके बीच में आप जो है मॉडिफिकेशन फ़ी जो कि 250 रुपये है वो पे करके अपना जो है जो भी फॉर्म में आपकी गलतियाँ वो सुधार कर सकते हैं। उसमें जो है RRB आपका चेंज नहीं हो सकता। अगर आपने कोई RRB सेलेक्ट कर लिया तो उसे आप चेंज नहीं कर सकते। आपका मोबाइल नंबर चेंज नहीं होगा और जो है आपका ईमेल एड्रेस चेंज नहीं होगा। और अकाउंट क्रिएट करते समय, कुछ बच्चों का जो है अकाउंट पहले से क्रिएटेड नहीं होता तो उन्होंने क्रिएट किया होता है, तो अकाउंट क्रिएट करते समय जो भी डिटेल भरनी होती है उसको छोड़ के आप जो चाहें वो चेंज कर सकते हैं। तो अगर अकाउंट क्रिएट वाला अभी समझ में नहीं आया कुछ बच्चों को, तो मैं लास्ट में उसको डिटेल में समझाऊंगा वीडियो के लास्ट में। अब हम बात करते हैं कुछ गलतियों के बारे में जिसके वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि अगर आपने एक ही RRB चुनना है, आपने 2-3 RRB में फॉर्म अप्लाई कर दिया तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, या फिर एक ही RRB में अगर आपने 2-3 फॉर्म अप्लाई कर दिया एक से ज़्यादा तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और इन गलतियों की वजह से बार बार कई सारे RRB में अप्लाई करने से या एक ही RRB में कई सारे फॉर्म अप्लाई करने से आपका फॉर्म तो रिजेक्ट होगा ही, आपको भविष्य में RRB रेलवे के कोई भी RRB या RRC में जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें भी बैठने से आपको वंचित किया जा सकता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखें। और जो है ज़्यादातर बच्चों के ना फोटो के वजह से और सिग्नेचर के वजह से जो है फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, तो फोटो को जो है वो अच्छी क्वालिटी में होनी चाहिए, बैकग्राउंड जो है वो वाइट होना चाहिए। जब आप फोटो क्लिक करवाएं कहीं पे भी, पासपोर्ट साइज का लगेगा तो आपका बैकग्राउंड जो है वो वाइट होना चाहिए और अच्छी क्वालिटी में होनी चाहिए। कैप पहने हैं तो वो वाला फ़ोटो रिजेक्ट हो जाएगा, कैप नहीं पहन के फ़ोटो खिंचवाना, चश्मा नहीं पहन के फ़ोटो खिंचवाना है। चश्मे वाला तो ऐसे ही, मतलब अगर किसी का पावर है तो RRB में LLP के एग्ज़ाम के लिए तो ऐसे ही रिजेक्ट किया जा सकता है। बट फिर भी अगर कोई बच्चा चश्मा पहनता है और उसे लगता है, मतलब हल्का फुल्का है और उसे लगता है कि मैं 6x6 जो है वो मेडिकल में हो जाऊंगा, तो उसे चश्मा पहन के फ़ोटो खिंचवाने की जरूरत नहीं है। जब आप फ़ोटो खिंचवाएं तो चश्मा निकाल लीजिएगा और फ़ोटो बढ़िया से आप दीजिएगा, और जो है क्वालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। सिग्नेचर जो है वो ज़्यादा डिजाइन ना करके आप सिंपल एक सिग्नेचर रखिए। वैसे अगर किसी का डिजाइनेबल है तो भी चलेगा, बट क्लियर दिखना चाहिए। बट मैं अभी फिर भी आपको सजेस्ट करूँगा कि सिग्नेचर जो है आप जितना सिंपल से सिंपल रखें, और फोटो अप्लाई जब वो जो उसको अपलोड करें फोटो सिग्नेचर का, तो देखिएगा कि सिग्नेचर जो है आपका बीच में हो, मतलब कि कट ना जाए इधर उधर से। कुछ बच्चों का क्या होता है, सिग्नेचर लंबा होता है नाम, तो सिग्नेचर करते हैं तो मान लीजिए आगे पीछे का ना कट जाता है आगे से या पीछे से, तो जो है उसके वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें कि और किन चीज़ों के वजह से फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, तो आपके जो है आपने अगर पहले से RRB किसी एग्ज़ाम में से आपको निकाल दिया गया है, किसी वजह से आपको वंचित कर दिया गया है, तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये तो देर कैसे, ऐसा कौन ही होगा जिसको पहले से RRB ने वंचित कर रखा है। खैर, तो ये सारी चीज़ें हैं। और सिग्नेचर के लिए एक बार और मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे सिग्नेचर में गलती कर देते हैं। पहली बात तो आप जो सिग्नेचर करेंगे वही हर जगह पर करिएगा। इस वैकेंसी में जहाँ पे भी आपका सिग्नेचर मांगेगा वहाँ पे हर जगह सेम ही होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि सिग्नेचर जो है ना वो स्मॉल लेटर में आप करिएगा, ये ना कि शुरुआत ऐसे कर दिया कैपिटल लेटर से और सारा जो है लेटर वो कैपिटल ही रहे, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, एक जैसे दिखाया मैंने वैसे करिएगा सिग्नेचर।
तो ये चीज़ें हैं, होप आपको हेल्प मिली होगी और इन चीज़ों पे आप ध्यान दीजिएगा। अगर किसी बच्चे ने गलती कर दी है तो भी आप घबराइए मत, अभी टाइम है, आप उसमें सुधार करने की कोशिश करिए। और कुछ बच्चों का क्या है कि OBC का अभी जो है ना NCL वाला सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है, तो वो जो है घबरा रहे हैं, तो अभी भी टाइम है 19 फरवरी तक, उतना तो इसके पहले ही आपको बनवा लेना चाहिए था। पहली बात तो ये, जितने भी मेरे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं सबको मैंने बताया कि पहले ही तुम बनवा लो, और अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है तो अभी भी टाइम है, थोड़ा आप दौड़े धूपेंगे, थोड़ा सा आप खुद से एफर्ट डालना पड़ेगा, जल्दी बन जाएगा, 2-4 दिन में भी बन जाता है अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो। बाकी अगर नहीं बनता है तो आपके पास जो है स्टेट वगैरह का वो डाल के आप अभी अप्लाई कर दीजिए, और जब फॉर्म मॉडिफिकेशन की डेट आएगी तो तब तक मान लीजिए, तब तक तो टाइम है ना, क्योंकि 20 से 29 है तो अभी बहुत ही टाइम है, तो उस समय जो है उस समय तक आप जो है अपना सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बनवा लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का, और उसको जो है उस समय मॉडिफिकेशन में आप उसको डाल दीजिएगा, ठीक है। और जो है ABC वाला जो है अगर किसी का है तो उसके लिए अगर कोई परेशान है तो भाई मैं कहूँगा कि वो तुम ना ही डालो, क्योंकि उसके वजह से बस फी में जो है तुमको कुछ पैसे कम लगते हैं, मान लो ऐसे 500 अगर लग रहे हैं तो 250 लगेंगे, बाकी आपका जो है कट ऑफ वगैरह में आपको कोई छूट वगैरह नहीं दी जाती, इसके वजह से कोई आपको आरक्षण नहीं दिया जाता। और लास्ट में जिनको क्रिएट एन अकाउंट वाला समझ में नहीं आता उनके लिए, ये जो आप फॉर्म अप्लाई करने जाएंगे LP का, तो दो ऑप्शन पूछता है, एक तो क्रिएट एन अकाउंट और एक ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अगर पहले से अकाउंट है तो फिर ठीक है, नहीं तो अगर आपने जब जिसका पहले से नहीं है क्रिएट किया होगा अकाउंट, तो उसमें जो कुछ डिटेल भरते हैं वो चीज़ें जो है आप जो है उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि देखिए आपने ये सारी चीज़ें भरी होंगी, कंट्री, नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, माता जी का नाम, अपना आधार कार्ड जो भी डाला होगा आपने, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, इसके साथ साथ आधार भी जो आपने सेलेक्ट कर लिया वो चेंज नहीं होगा, बाकी हो जाएगा। होप आपको हेल्प मिली होगी। बाकी हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर बात करते हुए, तब तक के लिए